ਮਰਾਹਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ। नहीं जाएगा तो मैं गोली मार दूंगा। आपके पहले सवाल पे मैंने आपको कहा है कि हमारा दुश्मन से दुश्मन इसराइल, जिसको हम पाकिस्तान अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ अगर वहां पर भी होगा हम उसकी भी तारीफ, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ नहीं की। इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस भाई को ये भी बताना था, वो वाहिद इमरान खान ही था जब इन्होंने कश्मीर का जो रूल पास किया था, तो हाँ साहब ने 370 किया था, इन्होंने तिजारत बंद कर दी थी। और उसके बाद अफगानिस्तान जब आजाद हुआ है, जब वो अमरीका वहां से गया है, तो इंडिया ने कहा कि हमें यहाँ से रस्ता दे। हाँ साहब ने उनको यहाँ से अफगानिस्तान भाई को कहा हम आपको सामान इंडिया जाने दें, मगर इंडिया का सामान हम यहाँ से गुजर। लेकिन इस वक्त अफगानी सबसे पाकिस्तानियों के ज्यादा खिलाफ हुए हैं। वो हमारे इस वक्त जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, उनकी पॉलिसियों की वजह से हिलाफ हो गया। वो तो नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, इन्होंने हमारे पख्तूनख्वा पे कब्जा किया है, पख्तूनख्वा तो हमारा हिस्सा है। वो तो ये बात आप भी सही नहीं है, मैं भी सही नहीं भाई। हम वोट देते हैं, हमारी गलती है यार, हम किसको वोट दे यार? हमारा मैंने मौसम खराब किया हुआ यार। तो आप सही करें ना मौसले को, वो कौन करेगा? आप खुद से करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला करेगा। और हम अल्लाह से दुआ देखो ना, आपका नहीं मिलता यार मेरी बात में। जितने भी सदर वजीर बनते, सुने जितने वजीर सदर बनते हैं ना, अल्लाह ताला की नजर, जैसी कौम होगी ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान होंगे, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम पे मसलत होंगे, हम वैसे ही है वैसे हुक्मरान हमारे पे मसलत है। वो हमें बैडमिंटन बनाया हुआ चिड़ी छिक्का को खेल रहे हैं, पास 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 आता रहना। माजी में ये वही लोग हैं, शनाख्ती कार्ड पे आटा मिलता है यार, मिलते ही नहीं है, गरीब लोग हैं। शनाख्ती कार्ड? हाँ जी, वो भी पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए, हमारे हमसाया मुल्क की बात की जाए, बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बड़ा जबरदस्त जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? रूल ऑफ लॉ की जहाँ तक उन्होंने बात की, मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया चाहे छोड़ के, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हमारे दुश्मन से दुश्मन मुल्क इसराइल में भी हो, रूल ऑफ लॉ जहाँ भी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमने हाँ साहब ने इंडिया की तारीफ नहीं की, हाँ साहब ने एक एग्जाम्पल लिया है कि रूल ऑफ लॉ अगर देखना है तो उधर रूल ऑफ लॉ इससे बेहतर है, जिसकी वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकनॉमी बेहतर हो रही है, इकनॉमी उनकी ऊपर जा रही है। जहां पर भी रूल और लॉ को देखा जाएगा, कौमें हमेशा तरक्की वहां पर करती हैं जहां पर इंसाफ होगा, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु होगा, जहां हम मुसलमानों को सबसे ज्यादा फतह उस दौर में मिली थी, जहां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, अगर कोई सड़क के किनारे भूखा कुत्ता भी सोएगा तो उसकी पूछ मुझसे होनी है, रात के किनारे होगा तो उससे उसका सवाल मुझसे होगा। जब ऐसे हुक्मरान होंगे, ऐसी चीजें होंगी, तो रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ हमारे जो बनाने वाले हैं आजकल, मैं हम छोटे होते ना सुनते रहते हैं, 1990 से सुन रहे हैं ये, छोटे थे ना 1990 से हम सुन रहे हैं कि ये करप्शन करप्शन, हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं आपस में करप्शन करप्शन खेलते हैं। नवाज शरीफ साहब आए हैं, फिर उसके बाद बेनजीर आई, वो कहता है वो करप्ट है, वो करप्ट है, मगर आज तक करप्शन पे किसी को सजा नहीं हुई। अगर किसी एक को भी इन बड़े खानदानों में, इन दो बड़े खानदानों का मैं नाम ले रहा हूँ, नवाज शरीफ और बेनजीर, ये दोनों खानदान हम पे मसलत हैं, इनमें से किसी एक को भी सजा मिल जाती तो हमारे इधर भी जो ना रूल ऑफ लॉ बेहतर हो जाता है। यहाँ पर वही बात आ गई कि कानून जो है ना, जो ताकतवर है उसके लिए कानून है, जिसके पास ताकत नहीं है उसके पास कानून नहीं है। और दूसरी बात, हमारे मुल्क में आप शायद ये बात चला सके या ना चला सके, जिसके सर पे हाथ एस्टैब्लिशमेंट का है उसके पास कानून है, क्योंकि जिसको आज आजकल आप ज्यादा दूर ना जाए, हम शेर रशीद के केस पे चले जाए, शेर रशीद साहब ने एक अल्फाज मुंह से कहे हुए हैं, उस पे उनको पकड़ लिया, उनकी जमानत नहीं हो रही, कौन सा प्रेशर है? सारा ऊपर से प्रेशर है। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ जैसे ताल्लुकात हैं वैसे किसी सियासतदान के ताल्लुकात नहीं है, और वो भी पकड़े गए हैं। मगर आजकल एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है ये सबको पता है, सबको नजर आ रहा है। आपका भाई शहीद अरशद शरीफ शहीद, मैं जब भी उनकी बात करता हूँ मुझे खुद आंसू आते हैं। वो यही सारी बातें करते हैं, वो कौन था? हमारा फेवरेट एंकर था, आप लोगों का भाई, आपकी फील्ड में था, वो इस दुनिया से चला गया। क्या पूछते चला गया कि वो कौन था? आज तक किसी को इस चीज का पता नहीं चला। सर वो भी रूल ऑफ लॉ को पीछे ही बात करते 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 यार, यही बात कर रहा हूँ ना कि वो भी रूल ऑफ लॉ के पीछे था, उसको उन्होंने हटा दिया है। देख लें आप यहाँ इनकी पहुंच कहाँ तक होती है, ये लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं। वो बेचारा यहाँ पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से कीनिया गया, कीनिया तक उनका पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, और वहां पर उसको शहीद कर दिया गया। मगर उसकी वाला ने जिन जिन बंदों का नाम लिया है यहाँ पर पाकिस्तान में, वो उनके खिलाफ केस ही नहीं कर सकी अभी तक। जैसे अभी पिछले दिनों इमरान रियाज खान को पकड़ा था, उसने अदालत में कहा कि मुझे अल्लाह ताला के बाद आप पे है
मेरे पीछे तो कोई लोग हैं, अर्शद शरीफ बेचारे के पास कोई नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसकी वाला बेचारी व्हील चेयर पे जा रही है। ये रूल ऑफ लॉ की ये सारी चीजें हैं। जब तक ये रूल ऑफ लॉ ठीक नहीं होगा हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का जामन इसके रूल ऑफ लॉ पे। बात कर रहे थे तो एक भाई कहते हैं कि भाई इमरान खान जो है मेरे सामने आए तो मैं इसको गोली मार दूं, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। क्या ये इंडिया की तारीफ जो उन्होंने की है ये उन्होंने जान के की है या फिर इंडिया की तारीफ इस मामले में बनती है? आपके पहले सवाल पे मैंने आपको कहा है कि हमारा दुश्मन से दुश्मन इसराइल, जिसको हम पाकिस्तान अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ अगर वहां पर भी होगा हम उसकी भी तारीफ, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ नहीं की। इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस भाई को ये भी बताना था, वो वाहिद इमरान खान ही था जब इन्होंने कश्मीर का जो रूल पास किया था, तो हाँ साहब ने 370 किया था, इन्होंने तिजारत बंद कर दी थी। और उसके बाद अफगानिस्तान जब आजाद हुआ है, जब वो अमेरिका वहां से गया है, तो इंडिया ने कहा कि हमें यहाँ से रस्ता दे, हाँ साहब ने उनको यहाँ से अफगानिस्तान भाई को कहा हम आपको सामान इंडिया जाने, मतलब इंडिया का सामान हम यहाँ से गुजर। इस वक्त अफगानी सबसे पाकिस्तानियों के ज्यादा खिलाफ हुए हैं, वो हमारे इस वक्त जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है ना उनकी पॉलिसियों की वजह से हलाफ हो गए हैं। वो तो नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, इन्होंने हमारे पख्तूनख्वा पे कब्जा किया है, पख्तूनख्वा तो हमारा हिस्सा, वो तो ये बात करते हैं। ये बात वो इस वजह से कर रहे हैं, एक तो वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको मगफरत करे जी, मुशर्रफ साहब का जो उन्होंने ड्रोन हमले जो वहां पर करवाए, जो एक क्योंकि एक घर में अगर कोई किसी एक का शरीक फौत होता तो वो उसके लिए फिर सारी दुनिया दुश्मन है। मुशर्रफ साहब की वो गलत पॉलिसी की वजह से अफगानी हमारे हलाफ हुए। और उसके बाद आप देखें हान साहब की जब तक हुकूमत रही है, हान साहब ने अफगानिस्तान से एक अच्छे ताल्लुक कायम किए, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, जैसे ही हान साहब गए हैं अफगानिस्तान से वो लोग गए हैं, इन्होंने फिर ऊपर पिछले दिनों जो एक अटैक हुआ था वहां पर उनका एक मुला जो शहीद हुआ था, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान अफगानी जो है इस वक्त अगर बात की जाए तो इंडिया के इतने हक में है ना, क्योंकि इंडिया वहां पे इतने इतने काम कर रहा है, वहां पे उनकी पार्लियामेंट इंडिया ने बनवा दी है, वो इंडिया को तो इस वक्त अपना भाई मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। इसकी वजह यही है ना कि ये इंपोर्टेड हुकूमत हम पे आई है, हमारे वजीर हारजा साहब कोई 7500 है, मैं तो कहूंगा वो है ही अमेरिकन नेशनलिटी ले ले, वो सबसे बेहतर है, वो अमेरिका में बैठे थे, पाकिस्तान कभी कभी आते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा बरादर मुल्क अफगानिस्तान जिस वक्त एक मौका था उनको हमदर्दियां देने के लिए, हमदर्दियां उनकी समेटने का हमारे पास एक मौका था, हमने उनसे उल्टा की बात कर ले, इंडिया ने वहां पे अपना हॉस्पिटल लगा लिया जबकि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब वहां पे जाने लगे थे, तो उनकी हुकूमत ने मना कर दिया कि हमारे मुल्क आने की कोई जरूरत नहीं, हमने अभी भीख नहीं देनी। शहबाज शरीफ का नाम आपको पता क्या भला, शोबाज शरीफ, क्या नाम है उनका, शोबाज शरीफ, वो वहां पर शोबाज शरीफ मारने के लिए गए थे। असल काम हमारी फौज ने किया है जिसकी हम तारीफ करते हैं, मगर हम उस फौज की तारीफ नहीं करते जो कुछ लोग जो चंद हैंडलर्स जो है ना उनकी तारीफ नहीं, हमारी फौज वहां पर गई है, रेस्क्यू का बड़ा अच्छा काम किया, असल काम ये फौज ने तो वहां पे हॉस्पिटल लगाया। हमारा पाकिस्तान में जितनी हद तक हम लोग कर सकते थे, हम आपको मैं एक बात बताऊं, तुर्की के जो लोग हैं उन्होंने जो इंडियन आर्मी है, इंडिया जो है उसको दोस्त कहा है, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारी मुश्किल वक्त में हेल्प नहीं की, हम इंडिया को अपना दोस्त कहेंगे। हमारे लाभ पे चलते हैं, हमारे उमर उमर के लाभ पे चलते हैं, अंग्रेज जितने भी है, यहूदियों ने सारा जितना भी है ना वो नबियों के लाभ पे चल रहा है, लेकिन हमारी कौम जो है ना, हमारी पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम जो है, सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी लाठी उसी की बहस है। आप जैसा मर्जी काम करवा लें, जिस मर्जी हल्के में जाके करवा लें, जिस मर्जी आप ये जो हमारे इदारे बने हुए वहां पे जाके करवा लें, हो जाए। मेरा जो आज बात करने का बेसिकली मुझे ये बताएं कि जब गुजरा बनता है, एक बंदा वजीर आजम बन जाता है या MNA MPA बन जाता है, उसकी बैकग्राउंड क्या होती है, उसके बाद कितने मसाइल होते हैं, कितने सासे होते हैं उसके पास, तब वो क्या होता है जब वो बन जाता है, कुछ अर्सा इसमें रहता है, इस फील्ड में रहता है, सियासत एक कारोबार है। अच्छा। मैं तो ये कहूंगा ये कारोबार है, ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा का सौदा कोई नहीं है, नफा ही नफा है इसमें। हमारे जितने भी ये लोग है ना सियासतदान, सब ये दूसरे के ऊपर पगड़ियां उछालते हैं, उछालते हैं सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को, हम जैसे को बेवकूफ बनाने के लिए, आवाम को पागल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कि हमारे झंडा और हमारा झंडा पकड़ो, हमारा नारा लगाओ, तुम्हें रोटी कपड़े मकान से सारे एक ही हैं, रोटी कपड़ा और मकान खा गया मेरा हुक्मरान, मैं तो ये कहूंगा। तो सर ये जो नवाज शरीफ साहब के होते हुए, उनके होते हुए देखें आप माशाल्लाह से उनका कितना कारोबार था, जब वो फर्स्ट टाइम में आए थे, जब पहली दफा वो वजीर आजम बने थे, तब वो किसके तसल्लुक में थे, उनको जनरल जियाउल साहब लेके आए थे, नवाज शरीफ साहब उनकी छांव में रहते थे। की बात कर रहे हैं। जी देखें जनरल जियाउल साहब जब तक हुकूमत उन्होंने 11 साल किए ना, दुश्मन की मजार भी नहीं थी कि वहां के उठा के हमारी तरफ देखता, उन्होंने उस वक्त पे जब बहुत मुल्क की कशीदा हालत थी,
ऐसे ही मोड़ पे था जैसे अब किस मोड़ पे है मुल्क। तो राजीव गांधी ने ना पूरा प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान पे ना हमला कर देना है, चढ़ाई कर देनी है। वो मैच देखने के बहाने गए, बड़ा मशहूर वाक्य है, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, वो वहां पे मैच देखने के बहाने गए। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे ना, इंडिया वाले वजीर, किसी को नहीं पता कि एकदम से आ जाएंगे पाकिस्तान के वजीर आजम, ये जनरल जिया साहब सदर पाकिस्तान आ जाएंगे वहां पे। नहीं, आप कह सकते, मैं नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा मर्द मोमन मर्द तो डिक्टेटर ही। देखिए, इस तरह अगर आप डिक्टेटर कहते हैं ना, तो आप उसको अयूब खान के दौर को आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे, दादे नाने से पूछे, वो आपको बताएंगे कि एक टाइम पे आवाम ने ना अयूब खान साहब को भी कुत्ता कुत्ता कहा था, लेकिन वो उनका दौर भी बहुत अच्छा था, उनके दौर में बड़ा अच्छा दौर गुजरा हुआ है। समझ लें कि आप तब ऐसे लम्हात नहीं थे, तब ऐसे वाकियात नहीं थे। अगर आप कहते हैं ना वो डिक्टेटर हैं, देखिए उन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए बड़े काम किए हैं सर। उन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए अफगानिस्तान की जंग हमारे पे मुसल्लत कर दी, रशिया की जंग हमारे पे उन्होंने मुसल्लत नहीं की थी, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हिकमत आमिर से बचाया था। उनको दुश्मन की निगाह तो थी पाकिस्तान के गर्म चश्मों पे। आप लोगों को नहीं पता, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा। रूस का मकसद था उस वक्त, उनका सुपर पावर थी वो, अमेरिका भी उसके आगे कुछ नहीं था। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि भैया मेरी मदद करो, इसके टुकड़े टुकड़े करो। तालिबान किसने बनाए? बात मेरी बात समझे, देखे वो बात मैं सीधी करूंगा साफ। जहादी जो होते हैं ना, इनका कुरान पाक में जिक्र है मुजाहिदीन का। नबी पाक ने भी फरमाया था कि ये जो मुजाहिदीन है ना, मुजाहिदीन ये ता क़यामत लड़ते रहेंगे, जंग करते रहेंगे इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर। और वो करते हैं और कर रहे हैं, हम देखते नहीं है हमारे फलस्तीन में क्या हो रहा है। 2000 साल से इसराइल वाले भटक रहे थे, नबी मूसा के दौर से भटक रहे थे, दो नबियों से शुरू हुई थी सल्तनत। जो है ना इसराइल, जो सल्तनत है वो नबियों की सल्तनत है। वहां पे नबी, आप अपनी उलमा से पूछ लें, अपने दीन से देख ले, रवाबित देखे ना, कहाँ कहाँ जाते हैं लड़ियां, कहाँ कहाँ जाती हैं। तब 70 की दाई थी, सिर्फ 70, सन 70 था, 1900 नहीं था, कोई 100 नहीं था, 70 हिजरी था। जब इनको ना वो बख्त नसर आया, तो उसने इनको सबको मलिया मेड कर दिया, यूद नसारा को, ठीक है ना। तो हजरत उमर के दौर में भी ईसाइयों ने कहा था कि भी ये यहूदी है ना, अपनी इबादत के लिए आ सकते हैं, इजाजत दीजिए उन्होंने, हजरत उमर ने। वाकियात है ना, तारीख बताती है, आप पढ़ेंगे तो आपके। बात हो रही थी डिक्टेटरशिप की, डिक्टेटरशिप की बात ये है कि उन्होंने ना मुजाहिदीन तैयार किए थे, वरना रूस जैसी सुपर पावर को कोई पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं, डचिस लगा लें, बर्तानिया लगा लें, यूके लगा लें, यूएसए लगा लें, फ्रांस लगा लें, कोरिया लगा लें, हर किस्म का मुल्क जो सुपर पावर है एटमी लिहाज से, सबके ना छक्के छूटे हुए थे कि रूस ऐसी पावर है। अब फिर से दोबारा रूस उठा है, दोबारा फिर से उसने काम वही शुरू किया है, ये आखिरी जंग की तरफ जा रहे हैं तीसरी। तो सारी बात है, इस चीज का हम ये कहते होते हैं जैसे ना सहरा में, ये जो हमारा जो थर है, थर बलोचिस्तान में कई इलाके ऐसे होते थे, यहाँ पर ये अफगानिस्तान से कुछ हिंदू जो रॉ के एजेंट थे ना, वो आके उनकी हेल्प करते थे और वो उनको अपने लिए हरी लेते थे। ऐसे ही हम कहते होते हैं एज ए मुस्लिम, मेरा क्या है कि जहां पर कोई मदद की जरूरत है, हम मुसलमान सबसे आगे हों, कुछ मुसीबत के वक्त जो उनके काम आएगा उनका हम दर्द वो होगा। अगर मुसलमान जाएंगे वो मुसलमानों को अच्छा कहेंगे, अगर पाकिस्तान पहले जाएगा पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा कहेंगे। इंडिया इसमें नंबर ले गया है, उनके पास इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है, उनके पास पैसा ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा, मगर डिप्लोमेसी भी तो कोई चीज है, डिप्लोमेसी ना, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है अपनी, यानी वो क्या कहते हैं, मुझे अल्फाज नहीं आ रहे, कि अपनी हैसियत से ज्यादा उनकी मदद कर रही है, उससे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। रेस्क्यू की टीम हमारी वहां पर गई है, 6-7 लोग वहां पर जिंदा भी उन्होंने निकाले हैं, मलबे तले निकाले, और अभी तक सख्त सर्दी में वो रेस्क्यू का काम जारी रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान इन चीजों में उनसे पीछे है, पाकिस्तान में हिम्मत है, हौसला है, हम मुसलमान है, हिंदुस्तान के हिंदुओं से ज्यादा वहां पर भी मुसलमान रहते हैं, हो सकता है उनकी आर्मी में भी मुसलमान हो, बहुत ज्यादा है उनके आर्मी में भी मुसलमान हो, हमारा हौसला उनसे ज्यादा बुलंद है। अच्छा, पाकिस्तानी मुसलमानों का हौसला इंडियन मुसलमानों से ज्यादा मजबूत है? जी बिल्कुल है, हम इस चीज पे ज्यादा कायल हैं, क्योंकि ये मुसलमान एक ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे एक मुल्क बना है। यहाँ पर मजहबी आजादी है हर तरह की। इंडिया में आप देखें ना, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? तरक्की की बात, ला इलाहा के नाम पे नहीं बना, वो तरक्की कर रहा है, वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया, पांचवी बड़ी मैशियत है। वहां पे बात करें, वहां पे रोटी की जो कीमत है वो 3-4 रुपए है, जो ला इलाहा के नाम पे मुल्क बना वहां पे रोटी की जो कीमत है वो 18 रुपए है। उसकी बात तो आपको, आपने आपका जो पहला सवाल वही था उसी में आ जाता है कि जब तक रूल ऑफ लॉ ठीक तरह से काम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करते। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ये मुश्किल वक्त आया है, दोबारा खान साहब आएंगे, दोबारा फिर ये हेल्थ कार्ड बनेगा, दोबारा लंगर खाने खुलेंगे, दोबारा लोगों को आसान सहूलियात मिलेंगी,
दोबारा से पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके लिए हमें, हम आवाम, हमें खुद निकलना चाहिए हान साहब के लिए, हान साहब को दोबारा सीट पे लाना चाहिए। हान साहब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला, ये सारी चीजें बेहतर होंगी। हान साहब के दौर में पाकिस्तान की इज्जत होना शुरू हो गई। हान साहब वो वाहिद लीडर है जिसने दुनिया में नामूस रसालत के लिए आवाज उठाई, जिसने हमारे दुश्मन मुल्क इकमाम में वो वाहिद लीडर है जिसने आंखों में आंखें डाल के इस्लामी फोबिया पे बात करने वाला ये लोग है। इस वक्त भी अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हान साहब से लाख लोगों की दुश्मनी जरूर हो, मगर ये लोग कहते हैं यार हम उस पर इसलिए कुर्बान हो रहे हैं कि उसने कवामी मुद्दों इस्लामी फोबिया पे बात की है, नामूस के लिए बात की है। वो एक अजीम लीडर है, एक अजीम लीडर दुनिया में। जैसे अब आप ना, मैं इंडिया की बात आ जाऊँ, मुझे थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ जाती है जी है मोदी की। मोदी अपने लोगों के लिए वो बाइस रहमत, वो कैसे बाइस रहमत है, वो उनको फायदा दे रहा है। तो कहते हैं वो पता नहीं कैसा बंदा है वहाँ, नहीं हमारे लिए तो वो दुश्मन है ना, हमारा तो पक्का दुश्मन है। क्यों दुश्मन समझते हैं मुझे सर? गुजरात में उसने क्या किया था? गुजरात में जो उसने हमारे जो पिछली जो बात है लोगों को जिंदा जलाया, वो फिर टीवी पे आएगा, मैं फिर दोबारा करूंगा। अच्छा, हमारे इसलिए वहाँ पर वो हिंदुइज्म फैला रहा है, हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों की। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडियन अदालत जो है उसने तो नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया। सर ताकत जहाँ भी होगी वहाँ पर वो इंसाफ ले लेते हैं, वो इस वक्त ताकत में है क्योंकि उसने तमाम हिंदुओं, जो कट्टर हिंदू उनकी आरएसएस शायद उनकी जो जमात है जो कट्टर हिंदुओं की है उसके जेरे साया है वो, जिसकी वजह से उसको वहां पर कोई कुछ कह नहीं सकता। वो हिंदुइज्म को बढ़ा रहा है, जबरदस्ती मुसलमानों के जो निकाह वो हिंदुओं के साथ करवा रहा है, ये चीजें वहां पर चल रही है। कैसे हो सकता है मुसलमान, सॉरी उनको जबरदस्ती उनको हिंदू करके उनके साथ उनकी शादियां करवा रहे हैं जबरदस्ती के मुसलमानों को, ये जमीन तंग वहां पर कर रहा है मुसलमानों को। जहां पर कोई गाय का गोश्त बेचता है उसको वो पकड़ के मार देते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनका मीडिया नहीं दिखा रहा, उसकी वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतर है, जिसके बाद बहुत सारी चीजें उनकी छुप जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त जरा थोड़े मुश्किल हालात में, इंशाल्लाह ताला जब ये अच्छे हालात में आएगा, हां साहब दोबारा आएंगे, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मसलत खत्म होगी तो हमारा भी पाकिस्तान में नाम इससे ज्यादा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, वेलकम सर। आर्मी जंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग, दुनिया खत्म है, इसके बाद ईमान ताजा हो जाएगा सबका, क्योंकि हम लोग, हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारी आवाम ठीक नहीं है, हम लोग खुद ठीक नहीं है। हमारे, हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे जो कानून है ना, कानून उसमें ला बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। देखे कुरान पाक का क्या है, ला क्या है, वो ला ये है, चोर अगर चोरी करता है आप उसकी एक उंगली काट दो, दूसरी बात करता है उसकी दो उंगलियां काट दो, तीसरी बात करे उसका पूरा हाथ काट दो। हमारा दीन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हम क्यों अमल करते? अगर वो किसी को कत्ल करता है ना हाथ, उसकी सजा भी कत्ल है। अगर एक बद किरदार औरत, एक बद किरदार मर्द अगर मुंह काला करते हैं, उनको जमीन में गाड़ के, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, संसार कर दें, क्यों नहीं हम लोग करते? हम किस दीन पे चल रहे हैं? हमारे नबी ने यह तो नहीं बताया, हमारे हुक्मरान क्या बता रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं उलमा में? वो सिर्फ ये बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा उलमा बता दे जिसने आवाज उठाई हो कभी, दीन के लिहाज से कानून होना चाहिए, जो लॉ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, बड़े से बड़ा मगर मैं चाहे वो वजीर आजम सजा है उसको भी कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, उसे भी मुजरमों की जगह पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुजरम है। इन लोगों पे कितने इल्जाम है, किसी ने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, किसी ने डॉलर किया, अयान अली क्या करती रही है? माजी में देखे वो कस्टमर ऑफिसर शहीद कर देगा अपने घर के सामने, क्यों, किसने किया, पावर में कौन है सर? ये फिर इमरान खान यही तो बात कर रहे हैं, हमारे ही, हमारा कानून ही हो गया ना, पावर में फिर वही हो गया ना, जिसको मर्जी मार दो। वक्त के वजीर आजम बेनजीर, उसका भाई वजीर आजम, मुल्क की वजीर आजम, पाकिस्तान की वजीर आजम, उसके भाई का कत्ल उसके घर के बाहर हो जाता है, पुलिस की मौजूदगी में हो जाता है, क्या मुबारकात है। मैं किसके इंसाफ मांगू, किससे कहूँ मैं? जो शहीद हवाले से वो अपने खून का हिसाब से मांगते हैं। फिर आप, वो एक एक्ट्रेस थी, उसको किसी ने वो उसकी इज्जत लूट ली, वो बड़ी मशहूर अदाकार थी, शबनम नाम का पता नहीं शायद उनका वो थी, वो उसकी बाहर के मुल्क की थी, लेकिन चाहे वो गैर मजहब थी लेकिन उनकी इज्जत तार तार हुई। क्या उस वक्त के कानूनदानों ने क्या किया? हाँ, पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर लिया? क्या इसको इंसाफ मिला? कितनी जेल में लुट गई है, कितने बच्चों की इज्जत तार तार होती है, बदफली होती है, क्या कानून है हमारे मुआशरे में बताए मुझे, कौन बताएगा? सर बात बेसिकली हो रही है, ना काजी है वक्त, मुझे भी बोलना है, मैं किसी सर बेसिकली एक मिनट बात हो रही है, बात करीम की हो रही है इंडिया की, मैं वही बात करने लगा हूँ कि यहूदों ने सारा हमारे दीन के हिसाब से कानून के हिसाब से सही चल रहे हैं, हम लोग किस खेती मूल्य, हम किस किस दुराए बचा रहे हैं, हम यही भाई करो ना, सही भाई
कोई भी सही नहीं है। आप सही करें ना मुआशरे को, लोग कौन करेगा? आप खुद से करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला करेगा। और हम अल्लाह से दुआ करें, आपका नहीं मिलता यार, मेरी बात नहीं। जितने भी सदर वजीर आजम बनते हैं, सुने जितने वजीर आजम सदर बनते हैं ना, अल्लाह ताला बनाते। जैसी कौम होगी ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान होंगे, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम पे मसलत होंगे, हम वैसे ही है वैसे ही हुक्मरान हमारे पे मसलत है। वो हमें बैडमिंटन बनाया हुआ चिड़ी छिक्का बम को खेल रहे हैं, पास 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 आटा लेना, माजी में ये वही लोग हैं। शनाख्ती कार्ड पे आटा मिलता है यार, मिलता ही नहीं है, गरीब लोग हैं। आटा शनाख्ती कार्ड, हाँ जी, वो भी नहीं मिलता है। दो दो घंटे हम लाइन पे लगे रहते हैं यार, बात जी वो भी गड्डी आती है, हफ्ते बाद आती है। जनता में दर्द है, डॉक्टर सराज साहब ने एक बात की थी, वो शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान को उनकी तकरीर आज भी सुन ले निकाल के व्हाट्सएप पे, आप तो मीडिया पे यूट्यूब पे निकलेगी। डॉक्टर साहब का क्या कह रहे हैं तकरीर में, वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को ना एक एक चीज जो है ना गिरवी पड़ जाएगी। सूद का निजाम कायम कर दिया है आज नवाज शरीफ ने, उनकी तकरीर है, मैंने सुनी है, मैंने देखी है, नाम लिया मैंने बकायदा, मैंने भी रात को सुनी है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब यहाँ से फारिग होकर थका घर जाता हूँ ना, तो गरीब आदमी एक ही चीज देखता है, यूट्यूब निकाल लेगा, मीडिया निकालेगा, गूगल पे सर्च करेगा कि हालात मुल्क के क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे ना, बात ये करो, उन्होंने कहा था कि ये सूद का निजाम इन्होंने रख दिया है, IMF को बुला लिया है, और भी फला चीज की हम आपको आपकी बात मानेंगे, आपकी जो नजायज बातें ना हम मानेंगे, हम अपने इदारे गिरवी डालेंगे, उनकी नजदारी करेंगे। तीन इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, तीन एयरपोर्ट इंडिया को भाई करनी शुरू। ये तरक्की किस चीज की कर रहे हैं, ये पुल बना दिया, ये तरक्की है, ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं है। कर्ज लेके मुल्क में तरक्की का नाम लेने वालों, उस तरक्की के पैसे से खुद को अपने जेबे अपने पेट भरने वालों, बाहर के मुल्कों में रह के हमारे पैसे से ऐयाशी करने वालों, एक एक वजीर आजम का होता है टूर बाहर का, बाहर के मुल्क जाने का, उसके साथ 50 कुत्ते जा रहे होते हैं, 50 कुत्ते में इंसान नहीं कहूंगा, कुत्ता ही कहूंगा, वो हमारे हमारे पैसे भी जाते हैं, अपनी जेब से जाता है, कोई मुझे बताए आज तक। अगर वो सब खत्म कर दे, हमारे मुल्क में बचत होना शुरू हो जाए, अगर इन लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है, देखे हमारे मुल्क में कितनी बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, किसी का बिस्किट चल रहा है, किसी की डबल रोटी चल रही है, किसी का दूध बिक रहा है, ये नामी गिरामी कंपनी है। क्या ये हमारे मुल्क का कर्ज नहीं दे सकते? करोड़ों रुपया रोज कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, ये मुल्क को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते? उनका ये मुहब्बत वतन नहीं है, इसे पैसा अपने मुल्क से कमाते हैं और बाहर के मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी विशेष की जिंदगी गुजारते हैं, और बाद में कहते हैं ये बरतानिया जैसा मुल्क है, बादशाही दौर है, हमारे बच्चे भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे आने वाले वक्त में। और अल्लाह ने ऐसी सोच पे, अल्लाह ने ऐसे बुजुर्गों पे, ऐसे सिदूरों पे, और ऐसे लोगों को साथ देने वालों सब पे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई भी इदारा है, उनके बगैर ये लोग बन नहीं सकते। और पीछे बैठे यूदों ने सारा, यूदों ने सारा 1947 से लेकर आज तक अपनी मर्जी की उम्र भी यूदों ने सारा हमारे मुल्क का निजाम चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते, हमारे हुक्मरान नहीं चलाते, ये यूदों ने सारा चलाते हमारे मुल्क का निजाम। भाई मैंने कहा मैं लाइन पर लगा रहा हूँ पूरे 2 घंटे, आता नहीं मिला यार, गरीब लोग हैं यार, बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं यार, हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा यार? 5 मिनट में आटा मिल जाएगा, मैं भी लेके आया, भाई नहीं मिलता है, नाम लिखवाओ, भाई मिलता ही नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का बना पड़ा है यार, नहीं मिलता यार, ये हमारे पाकिस्तान में कर्जा इतना होना पड़ा है यार, क्या आपको कौन आटा नहीं देता? भाई चल गया पूछेगा, हम देखते हो तो आप सबसे आगे होते हो, कि नहीं मिलती हम आप लोगों को देते हैं, बाद में आप लोग हमें पूछते भी नहीं है, आप लोग हमें पूछते, आटा मिल रहा है, आटा मिल रहा है, इधर से भी नहीं मिल रहा है, गरीब आवाम 10-10 घंटे लाइनों में खड़ी होती है, तो उसको आटा नहीं दे रहे हैं ये लोग। इस तरह वो बता रहे हैं कि आईडी कार्ड देख के वो आटा दे रहे हैं, ये वाला 100 रुपए सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है। इस ट्रक वाले के बजाय मैं भी लेके आऊँ, सामने वाले दुकानदार का, वो उसने 2 तोड़े लेने थे, सुने ये अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है, कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ पे लाइन लगती है, ये इसरे वाले इजीली मिल जाते हैं, नंबर लिखा है इजीली लेते हैं आप, वो है मेरे पास, उसने कहा यार भाई मैंने आटा थोड़ा लेना, वो 650 पकड़ो, आपका नाम पूछेगा, आपके घर का एड्रेस पूछेगा, और आपको थोड़ा दे देगा, मैं गया हूँ अभी 10 मिनट नहीं हुए, तो मेरे भाई क्यों कह रहे हैं आटा नहीं? मैंने उनको कहा कि भाई आपको पता नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तो लेके आया हूँ, मैं दूसरी कह रहा हूँ।
और आटा क्या साहब क्या गंदम का रेट क्या हुआ पड़ा है बताओ मुझे। वो यही खा गया ना गुणा नहीं खा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, अर्ज नहीं कर रहा। रोटी कितने की होगी? 18 रुपए भाई। ऐसे ही नान कितने का? 15 रुपए का नान था, 25 रुपए का नान हुआ पड़ा है यार। एक सेकंड आप मुझे बताएं, एक ही मुझे बात बताएं, क्या आपने अपनी होश में सोने का रेट 2200 रुपए तोला देखा हुआ है? देखा हुआ है भाई, मैंने अपनी बात सुने। अब क्या है 2 लाख के ऊपर है, 2.25 लाख मैंने भाई खरीदा हुआ है, बेचा हुआ है 2200 रुपए तोला सोना। मैं काम 2200 रुपए तोला बेचा हुआ है। हाँ खरीदा हुआ है, मैं काम करता हूँ, शिगिर्दी निकाली हुई मैंने। अब रेट क्या है? 2 लाख 18 का रेट है। मैं उस वक्त नग की मजदूरी थी उस वक्त में, और उस वक्त 500 रुपए चार पाँच तोले का सेट गंदम का रेट हुआ पड़ा 5000 था यार। क्या करे गरीब लोग यार, 5500 रुपया मन गंदम का रेट है। गलती किसकी है यार? ये हमारे वजीर आजम की गलती है, हमारे पाकिस्तान की गलती है। जो वजीर आजम तो दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ पे कहते हैं कि यार भाई बैठा ना मरियम नमाज के बाद जाते हैं भाई, अपने अपने मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे मुल्क को मतलब जिनने दो खानदानों ने खाया है, हर बच्चा बच्चा बड़ा बुजुर्ग भी जानते हैं, आपके मम्मी पापा आपके दादा भी जानते होंगे, जब से नवाज शरीफ और जरदारी आए हैं ना, इन्होंने बेड़ा कर शुरू से तो रहे ही है, यही रहे। तो फिर आप लोगों को भी हमारे से बेहतर पता है कि 30 साल से यही हमारे पे मुसलत है और हम लोगों को खा रहे हैं। क्या तरक्की नहीं है? मैं बताया ना आपके सामने पुल नजर, मैं आज से सुने मेरे वाले की शादी नहीं थी जब यहाँ पे आए किराए पे, आज भी किराए पे हम, वो आए थे 1963 में यहाँ पे मेरे वाले साहब, अर्बन ट्रांसफर गवर्नमेंट चलती थी वहां पे, वो कनेक्टर लगे थे, यहीं पे रिटायरमेंट मिल गई उनको, मकान नहीं मिला, प्रॉपर्टी नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, आज तक किसी किस्म का कर्जा नहीं मिला। वो कहते ना नौजवानों को कर्जा देंगे, कर्जा ने अपना कारोबार